अंबाला में आजकल बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस की सख्ती के बावजूद वे सरेआम वारदात करके भागने में सफल हो जाते हैं और बाद में पुलिस पकड़ने के दावे करती है। ऐसे ही बीडी हाई स्कूल की भीड़भाड़ वाली सड़क पर कुछ अज्ञात बदमाश आकर छात्रों के बीच चाकूबाजी करके एक छात्र को घायल करके फरार हो गए और सब देखते रह गए। बदमाशों ने गौरव पुत्र जगदीश कुमार वासी शाहपुर, जो 12वीं कक्षा का बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला कैंट में अंग्रेजी का पेपर देने के लिए आया था, और पेपर समाप्त होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकला तो 4-5 मोटरसाइकिलों पर नामालूम लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर शोर होने पर चाकू मारकर फरार हो गए। घायल गौरव को अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। उसके पिता का कहना है उन्हें सूचना मिली थी और वह अस्पताल आए हैं। डॉक्टरों ने गौरव को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही अंबाला छावनी थाना सदर के थाना प्रभारी और सीआईए स्टाफ मौके पर पहुंचा और हमलावरों की टोह में लग गया। उन्होंने फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए सूचना एकत्रित की और जल्द ही हमलावरों को पकड़ने का दावा भी किया। मेरे तो स्कूल का बच्चा था, मैं तो अपने स्कूल में था, मेरे पास वहाँ सेंटर था, ये फरूख का खालसा था जी, सेंटर बीडी स्कूल में था, वहाँ एग्जाम दे के बाहर निकले हैं। अब क्या बात मुझे तो, मैं तो 4:15 घर पहुँचा हूँ, तो वहाँ मुझे टेलीफोन गया है कि आपके स्कूल के बच्चों को चोट लगी है, तो मैं यहाँ आया हूँ। अब तक तो बच्चा मिला नहीं मुझे और ना कोई और बच्चा मिला। अब ये तो वही बताएगा किसके साथ झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, तो नहीं पता जी। मैं तो बताया ना, मैं तो अपने स्कूल में था, ये सेंटर मेरा बीडी स्कूल में था, स्कूल का बच्चा था। देखिए, ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, नाम इसका नाम गौरव है, शाहपुर का रहने वाला। इसका बीडी स्कूल में पेपर था आज, तो पेपर ख़त्म होने के बाद किसी बात को लेकर आपस में बच्चों का झगड़ा हुआ है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो कितने चाकू लगे हैं इसको? देखिए, उसको यहाँ से ना पीजीआई रेफर किया है, उसको अभी जो उसकी हमें डॉक्टर के अनुसार जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद ही स्पष्ट करना होगा। मामला दर्ज कर लिया गया जी? हाँ, अभी वो रेफर कर दिया था, हमारा ही हो गया, वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में जल्दी मामला दर्ज कर लिया।